हे गाइस, वेलकम बैक टू शाकिर खान फिटनेस। तो आज है संडे का दिन और मैंने डिसाइड किया है कि क्यों ना अपने चैनल पर एक व्लॉग कम मोटो व्लॉग डालूं मैं। तो इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि थोड़ा सा एक्टिविटी भी हो जाएगी, थोड़ा कैलोरीज भी बर्न हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ जस्ट सिटिंग आइडियल एट होम, थोड़ा मूव करते हैं, थोड़ा बाहर निकलते हैं और कुछ चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। बच्चे भी घर पर बोर हो रहे थे काफ़ी टाइम से, हम लोग कहीं गए नहीं है घूमने के लिए, कि आज हम लोग जाएंगे अक्सा बीच, मड आइलैंड जाएंगे हम लोग, और शॉर्टेस्ट रूट भी देखेंगे मड आइलैंड जाने का। ओके, और उसके अलावा एक्सपीरियंस करेंगे ब्यूटिफुल व्यू, क्योंकि जब आप अक्सा बीच जाते हो, जब आप मड आइलैंड जाते हो, तो वहाँ पर आपको ऑन द वे जो व्यूज़ दिखाई देते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। तो वो सारे व्यूज़ हम लोग इस व्लॉग के अंदर देख सकते हैं और शेयर करूँगा अपने एक्सपीरियंसेस ऑन द वे थ्रू आउट द जर्नी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। जगह है वर्सोवा का, इसको कहते हैं फेरी, है यहाँ से मिलती है आपको। तो सामने आप देख रहे हो, वो सामने जो है ये सिर्फ हार्डली 200 मीटर का भी डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ से आपको वहाँ जाना होता है, पानी अभी ज़्यादा है तो थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा दिख रहा है, पानी कम होता है तो 50-100 मीटर के अंदर आप वहाँ पहुँच सकते हो। तो वो मड आइलैंड है, वहाँ पर हम लोग जाने वाले हैं। तो ये जो डिस्टेंस है आप देख सकते हो, जो कि 5 मिनट का भी डिस्टेंस नहीं है। अगर आप बाय रोड जाते हो मड आइलैंड अंधेरी से, तो यही डिस्टेंस आपको, आप फास्ट से फास्ट भी जाओगे तो आधा घंटा लगेगा, और अगर आप ट्रैफिक में स्लो हो गए तो 45 मिनट्स तो आपका कहीं नहीं गया। सिर्फ इतना सा डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको 45 मिनट्स तक लग सकता है। तो अभी क्योंकि फेरी में बाइक अलाउड नहीं है ऐसा मुझे बताया गया है, तो अगर बाइक इसमें नहीं जाएगी तो हम लोग रोड से जाएंगे, हम लोग रोड का रास्ता लेंगे। ठीक है, अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी हम लोग बाय रोड अक्सा बीच ट्रैवल करेंगे, मड आइलैंड जाएंगे। तो जो 5 मिनट का जर्नी था, अब वो कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट्स का हो सकता है। और मेरे साथ में मेरे दोनों भी बच्चे हैं, अबरार और बिलाल। वर्सोवा में ही है ये, आप देख सकते हो स्क्रम्शस एवरेस्ट टावर है, एवरेस्ट टावर। अगर आप वहाँ जाते हो, वो सीधा आपको दरगाह दिखाई दे रही होगी, वहाँ पर मीनार दिखाई दे रहा है, तो वो दरगाह है। वहाँ से आप जब सीधा अंदर जाते हो वर्सोवा गाँव में, तो उसका जो एंड है वहाँ पर आपको फेरी मिलती है। तो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं, जर्नी शुरू करते हैं। बहुत लंबा रास्ता है, हमको जल्दी वापस भी आना है। जैसे कि आप देख सकती हो, ये है मलाड लिंक रोड, यहाँ से हम लोग आए और ये जंक्शन है जहाँ से हम लोग लेफ़्ट टर्न लेंगे। तो ये जो रास्ता लेफ़्ट में जाता है, ये जाएगा गोराई की तरफ, और यही रास्ता हमें लेके जाएगा मड आइलैंड, मारवे और दाना पानी और अक्सा बीच की तरफ। तो अभी यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे, अगर हम सीधा जाएंगे तो सीधा आएगा चारकोप, सीधा जाने पर चारकोप आएगा। राइट लेंगे तो यहाँ से हमको गोरेगांव ईस्ट की तरफ हम लोग जा सकेंगे, हाईवे कनेक्ट कर सकेंगे, पर हम लोग को लेना है लेफ्ट टर्न।
तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि हम लोगों ने अक्सा बीच के रास्ते के लिए एंट्री मार दी है, और ये सामने आप देख सकते हो बोर्ड लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे मड आइलैंड है और अक्सा बीच है, राइट हैंड साइड पे मारवे बीच है। मारवे बीच की तरफ हम लोग आज नहीं जाने वाले, हम लोग जाने वाले अक्सा बीच की तरफ। सो लेट्स टेक अ लेफ्ट टर्न एंड एंजॉय द व्यू गाइस, एंजॉय। तो गाइस ये है अक्सा बीच का रास्ता, मगर यहाँ पर बंद है तो बाइक अंदर नहीं ले जा पाएंगे हम लोग, बाइक को बाहर ही खड़ा रखना पड़ेगा और हम लोग शायद बाइक के बिना अंदर जा सकते हैं, बाइक या गाड़ी नहीं ले जा पाएंगे। तो ट्राई करते हैं हम लोग यहाँ पर आसपास में कहीं बाइक लगा कर कोशिश करेंगे अंदर जाने के लिए। बंद है क्या? अंदर अलाउड नहीं है लोग तो जाके। सर आत मध्ये अलाउड नहीं है क्या? फक्त असा एक राउंड मारून येऊ। एक राउंड मारून येऊ खाली पोरांना दाखवायचं आहे। बंद गेलं आहे फक्त एक राउंड 5 मिनिट येणार। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने देखा कि अक्सा बीच का एंट्रेंस भी बंद था और दाना पानी का एंट्रेंस भी टोटली बंद है। पुलिस वाले लोगों ने वहाँ पर नाकाबंदी टाइप्स लगा दिया, बैरिकेड लगाए हुए और लोगों को अंदर जाने के लिए मनाही कर रहे हैं कि अंदर ना जाए। पर यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बिकॉज इट्स अ ओपन स्पेस। जब मॉल्स में जा सकते हैं, थिएटर्स खुल गए हैं, तो फिर अक्सा बीच तो एक ओपन स्पेस है, बीच इज़ अ ओपन स्पेस, और वहाँ पर नॉन स्टॉप
सन रेज आती रहती है, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर कोई वायरस का खतरा हो सकता है, और इतना ज़्यादा गैदरिंग भी नहीं होगा कि लोग भीड़ भड़क के में एक दूसरे को चिपक जाए, तो मुझे कोई सेंस नहीं दिखाई दिया इस चीज़ में, तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया हूँ और मेरे बच्चे लोग भी थोड़ा डिसअपॉइंट हो गए। नो प्रॉब्लम, तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि क्योंकि ये साइड तो सब कुछ बंद दिखाई दे रहा है, मैं अभी गोराई के साइड पे जाने का ट्राई करूंगा। एंड डेफिनेटली गाइज, जो एक और जो मेन रीज़न था यहाँ आने का वो था कैप्चरिंग द व्यूज़ वाइल राइडिंग, तो वो तो हमें मिल ही गया है, और भी अच्छे व्यूज़ मिलेंगे, सो लेट्स कंटिन्यू।